आज के स्टूडियो में हम जानेंगे HTML क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML क्यों यूज किया जाता है, HTML में टैग क्या होता है, HTML में क्लोजिंग टैग एंड टैग क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स कंटेंट हम HTML के बारे में इस वीडियो में जानें। और हम W3 स्कूल्स का जो ऑनलाइन एडिटर है वहाँ पे HTML कोड लिख करके भी हम एग्जीक्यूट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कोड को Notepad++ यानी कि किसी अलग एडिटर में लिख करके एग्जीक्यूट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप कोई भी वेब पेज HTML में बना सकते हैं और W3 स्कूल्स वेबसाइट से कैसे आप बिना किसी के हेल्प से खुद HTML सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, W3schools.com एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से कोई भी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या फिर जीरो एक्सपीरियंस वाले जो भी प्रोग्रामर है, कोडर है, लेकिन वो कोडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर भी वो इस वेबसाइट से जाकर इजीली सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडिटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फिर भी आप इस वेबसाइट से अपने बेसिक्स स्मार्टफोन से भी आप कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं देखिए उस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में शॉर्ट में बहुत ही शॉर्ट में 35 सेकेंड्स में बताई थी कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको एक HTML में कोड लिखकर बताऊंगी कि कैसे आप HTML या कोई सा भी CSS, JavaScript, जो कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो कैसे आप यहाँ से इस वेबसाइट से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप अपने किसी भी ब्राउज़र क्रोम गूगल में जाकर यहाँ पे सर्च करेंगे W3schools.com तो आपको ऐसा एक पेज देखने को मिलेगा जहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि सबसे पहले आपको HTML, लर्न HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, PHP, jQuery, Java, C++, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल जाएंगे। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे आप ASP, जो कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि या सबसे अच्छा इस वेबसाइट के बारे में है कि आपको किसी भी एडिटर की ज़रूरत नहीं है या कोई भी आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से इनके जो भी ऑनलाइन एडिटर है ना वहाँ पे आप कोडिंग को, इनके जो लिखे हुए कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं या उस इनके एडिटर में आप अपने तरफ से कोई भी कोड लिख के उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लर्न HTML पे। जैसे ही आप लर्न HTML पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि कैसा एक पेज आपके पास ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे होम, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पेज में जाएगा। होम मतलब आप वापस से पीछे चला जाएगा आपके मेनू बटन में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेज, यानी कि HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी इसका फुल फॉर्म होता है, इसे स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसका यूज़ यानी कि HTML का यूज़ वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। सेकंड थिंग है कि विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट, यानी कि HTML के हेल्प से आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि HTML इज़ ईजी टू लर्न, यू विल इन्जॉय इट। HTML सब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है शायद उन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ईजी होता है सीखने के लिए HTML। ओके, जो भी हो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्ट लर्निंग HTML नाउ, उसके बाद नीचे दिखा रहा है इजी लर्निंग विद HTML, ट्राई इट योर सेल्फ विथ आवर ट्राई इट योर सेल्फ एडिटर। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनका यानी कि W3schools का जिनका भी वेबसाइट है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ इस वेबसाइट का, मैं इस वेबसाइट से बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हूँ तो इसलिए मैं आपको भी इस वेबसाइट के बारे में शेयर कर रही हूँ। इस वेबसाइट का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है खुद का वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोड लिखा हुआ दिख रहा है, ये है इनका एडिटर। इस कोड को हम यहाँ पे ट्राई इट योर सेल्फ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम इसे एडिट करके यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी बैक करती हूँ इसको और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्टार्ट लर्निंग HTML पे। जैसे ही हम स्टार्ट लर्निंग HTML पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ HTML, यानी कि जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज में कोड लिखने से पहले आपको किन बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में इस वेबसाइट पे आपको सबसे पहले बताया जाता है।
हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, उससे पहले हमें बताया जा रहा है कि उस कोड लिखने से पहले हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। HTML stands for Hyper Text Markup Language, यानी कि HTML जो है इसका फुल फॉर्म होता है Hyper Text Markup Language, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, यानी कि HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि हम जो कोई भी वेब पेज देखते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए google.com में जब आप सर्च करते हैं, तो जो फर्स्ट पेज होम पेज आपको देखने को मिलता है उसका भी डिज़ाइन या जो भी आप आउटपुट देखते हैं वहाँ पे उस पेज में, उसका भी डिज़ाइन है जो है वो HTML में ही किया गया है, ठीक है। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। HTML describe the structure of a web page, यानी कि वेब पेज का जो भी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वेब पेज में कहाँ पे पिक होगा, कहाँ पे टेक्स्ट होगा, कहाँ पे बटन होगा, यानी कि कोई पेज में आप देखते हैं कहीं पे सबमिट बटन होता है, कहीं पे आपका नाम इनपुट देने को बोला जाता है, कहीं पे आप पासवर्ड अपना इनपुट देते हैं, कहीं पे आप ईमेल एड्रेस देते हैं। तो ये जो पेज का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है तो इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है, यानी कि HTML से किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, HTML में बहुत सारे एलिमेंट का सीरीज होता है। HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी HTML में जो कुछ भी हम लिखते हैं, यानी कि HTML का जो एलिमेंट होता है ब्राउजर को वही डिस्क्राइब करता है कि, यानी कि ब्राउजर को HTML का एलिमेंट ही ब्राउजर को ये बताता है कि हमें पेज में, यानी कि वेब पेज में कौन सा कंटेंट कहाँ पे दिखाना है, डिस्प्ले कराना है, ओके। HTML एलिमेंट्स लेवल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ लिंक एक्स्ट्रा, यानी कि बहुत सारे वेब पेज में आप देखे होंगे कि लिंक रहता है, बहुत सारा लिंक रहता है, क्लिक करने पे किसी और पेज में हम नेविगेट हो जाते हैं, किसी और पेज में चले जाते हैं, या कोई भी हम अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद, आप मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तब आपको फॉर्म कहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करना है, कहाँ पे आपको अपना नाम, जो भी आप इंफॉर्मेशन आप उस वेब पेज में एंटर करते हैं, उसके बाद किसी लिंक पे आपको क्लिक करके अपना इमेज अपलोड करना पड़ता है, या आपका जो भी सिग्नेचर है उसको एलिमेंट उससे अपलोड करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें HTML के एलिमेंट्स से ही की जाती है। तो चलिए यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, इसको हम करके देख लेते हैं। इस कोड, जो भी आप ये कोड देख रहे हैं सामने, इस कोड के बारे में, ये कोड किस लिए और क्यों लिखा गया उसके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितना ये यूज़फुल है ये वेबसाइट। आपको इतना सा कोड लिखने से पहले आपको इस कोड के बारे में इतना कुछ आपको बताया गया, यानी कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसमें क्या होता है, मतलब कि आप अगर HTML सीखने जा रहे हैं, आप कोड करने जा रहे हैं, तो क्यों आप HTML में कोड करेंगे, किस लिए करेंगे, HTML में कोड करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको कोड करने से पहले ही यहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज में, इजी वे में, इजी तरीके से बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप कोड देख रहे हैं, तो कुछ बहुत से कम लाइन में कोड लिखा हुआ है जिसको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ आज के इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट इसका जो पाठ है आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर में डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो ये डॉक टाइप HTML क्या होता है, तो देखिए उसके बाद आप देख पहले कोड को देख लीजिए, फिर मैं आपको इस कोड को डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML सबसे पहले, उसके बाद है HTML, उसके बाद हेड टाइटल, हेड क्लोजर होता है। ये जो स्लैश हेड देख रहे हैं आप, ये क्लोजिंग टैग कहा जाता है, यानी कि HTML में जो कुछ भी हम लिखते हैं, जो कोई भी हमारा एलिमेंट होता है, वो सारे टैग के अंदर होता है। तो ये जितने ये ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं ना, जो रेड कलर के हुए हैं, ये हमारे टैग हैं। तो HTML टैग के अंदर सारे टैग होते हैं, हमारे HTML में जितने भी हम कोड लिखेंगे HTML के, वो सारे HTML टैग के अंदर होंगे। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लोजिंग टैग है HTML, यहाँ पे सबसे नीचे आप देख रहे हैं कि ये ओपनिंग टैग HTML सबसे ऊपर, सबसे नीचे है यहाँ पे, ये देखिए जूम कर देती हूँ, क्लोजिंग टैग, ओके। तो क्लोज, उसके बाद HTML के अंदर आपका हेड आता है,
हेड के अंदर में टाइटल आता है, लेकिन टाइटल यहाँ पे यहाँ टाइटल और टाइटल का नाम हम दे रहे हैं पेज टाइटल। जो भी हम पेज बनाएंगे अपने वेबसाइट के लिए उस पेज का टाइटल यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर होगा और टाइटल को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो टाइटल जो टैग है वो हमेशा हेड टैग के अंडर में आता है। और हेड टैग क्या होता है, हेड टैग के अंदर में हम बहुत सारे दूसरे पेज को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको आप धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आप एचटीएमएल में कोडिंग करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हेड यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, यानी कि एचटीएमएल के अंदर में होता है हेड, हेड के अंडर में होता है टाइटल, टाइटल पेज के टाइटल के बाद क्लोज हो जाता है, उसके बाद हेड क्लोज हो जाता है, यानी कि हेड का काम यहाँ पे ख़त्म। एचटीएमएल टैग के अंदर में एक हेड टैग, हेड टैग के अंदर में एक टाइटल टैग, टाइटल टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, उसके बाद यहाँ पे हेड टैग क्लोज हो गया। उसके बाद होता है बॉडी टैग। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर में जो भी हमारा पेज का कंटेंट होगा, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, लिंक, पैराग्राफ, जो कुछ भी हमारा सबमिट बटन, ब्राउज बटन, जो कुछ भी हम पेज में वेब पेज में देखते हैं, वो सारे के सारे कंटेंट एलिमेंट जो हैं वो बॉडी टैग के अंदर में होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि बॉडी टैग क्लोज हो गया, उसके बाद एचटीएमएल टैग क्लोज हो गया है, यानी कि डॉक टाइप एचटीएमएल, यानी कि हम एचटीएमएल में जो कोड कर रहे हैं उसका टाइप हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, उसके बाद एचटीएमएल टैग स्टार्ट किए हैं जो कि सबसे लास्ट में क्लोज होगा, यानी कि जो कुछ भी पेज के अंडर में लिखाएगा एचटीएमएल टैग के अंडर में होता है। एचटीएमएल टैग के अंडर में हेड टैग होता है, हेड टैग के अंडर में होता है टाइटल टैग, टाइटल टैग क्लोज हो जाता है हेड टैग के अंडर में, उसके बाद हेड टैग यहाँ पे क्लोज हो जाता है। हेड टैग के बाद आता है बॉडी टैग, जो कि एचटीएमएल टैग के पहले ख़त्म होता है। ठीक है, और ये बॉडी टैग के अंडर में हमारे पेज में जो कुछ भी आप एलिमेंट देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, वो बॉडी टैग के अंडर में होता है। तो अब यहाँ पे आइए, हम यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया हुआ है उसे पूरे कोड को हम अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं डॉक टाइप एचटीएमएल क्या होता है। तो देखिए, द डॉक टाइप एचटीएमएल डिक्लेयर्स डिफाइंड दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन एचटीएमएल 5 डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट में हम कोड कर रहे हैं, हमारा जो एचटीएमएल का कोड है वो एक एचटीएमएल 5 टाइप का डॉक्यूमेंट है। ओके, द एलिमेंट, द एचटीएमएल एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट एन एचटीएमएल पेज, द एचटीएमएल एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन एचटीएमएल पेज। ओके, यानी कि एचटीएमएल जो टैग होता है, देख ही रहे हैं आप, एचटीएमएल डॉक टाइप एचटीएमएल के नीचे आप एचटीएमएल जो टैग देख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट का रूट टैग होता है, यानी कि सबसे ऊपर में ये एचटीएमएल टैग होता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप, द हेड एलिमेंट कंटेंस मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एचटीएमएल पेज, मेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जैसे जैसे धीरे धीरे एचटीएमएल के बारे में जानेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द एचटीएमएल पेज विच इज शो इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेज टैग। ओके, यानी कि टाइटल जो होता है ये पेज का पेज टाइटल होता है, जो कोई भी हम पेज ओपन करते हैं ब्राउजर में, उस पेज का जो नाम दिखाता है वो टाइटल के अंडर में होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे पेज टाइटल, टाइटल यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, उसके बाद आता है बॉडी, द बॉडी एलिमेंट्स डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजुअल कंटेंट सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेज, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट, एक्स्ट्रा। यानी कि बॉडी टैग के अंदर में हाइपरलिंक्स, इमेजेस, पैराग्राफ्स, टेबल्स, लिस्ट, जो कुछ भी हम यूज करेंगे बॉडी के लिए, कंटेंट के लिए, वो बॉडी टैग में हम उस कंटेंट को ऐड करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कोड और लिखा हुआ, जैसे H1, H1 ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर हो रही है, P भी ख़त्म हो गया यहाँ पे, P टैग को यहाँ पे हम क्लोज कर दिए। यानी कि H1 एक हेडिंग होता है जो सबसे बड़ा होता है, द H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग, द P एलिमेंट्स डिफाइंस अ पैराग्राफ। यानी कि यहाँ पे हम लोग H1 के अंडर में माई फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पे H1 का जो भी टैग है इसे हम क्लोज कर दिए हैं। उसके बाद हम एक पैराग्राफ बनाए हैं जिसका नाम है माई फर्स्ट पैराग्राफ, जिसका P टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, पैराग्राफ टैग को। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि HTML एलिमेंट क्या होता है। तो एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। यानी कि HTML में एलिमेंट टैग को कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक टैग हम स्टार्ट किए हैं H1 और यहाँ पे हम ख़त्म कर दिए, स्टॉप क्लोज कर दिए H1 टैग। तो इसके अंदर में जो माई फर्स्ट हेडिंग है ये कंटेंट हो गया, तो एलिमेंट हो जाता है क्या, एलिमेंट इज
डिफाइंड बाई ए स्टार्ट टैग सम कॉन्टेंट एंड एन एंड टैग, ये पूरा जो है हमारा एक एलिमेंट है। एच वन जो है एक एलिमेंट है, बी जो है एलिमेंट है, माने मतलब कि हेडिंग टैग एक एलिमेंट है, पैराग्राफ टैग एक एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जांपल के लिए टैग नेम कंटेंट गोज हियर और क्लोज टैग नेम। ओके, द एस टी एम एल एलिमेंट इज एवरी थिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। एस टी एम एल का जो एलिमेंट होता है वो सारी चीज़ें स्टार्ट और एंड टैग के अंडर में ही होती है। जैसे कि एच वन का जो भी हम कंटेंट यहाँ पे लिखे हैं, माई फर्स्ट हेडिंग एच वन को यहाँ पे, यानी कि एच वन टैग को यहाँ पे हम क्लोज कर दिए, तो स्टार्ट और एंड टैग के बीच में ही हमारा एलिमेंट है। और दूसरा है कि दूसरा टैग है पैराग्राफ, जिसके अंडर में हमारा एक एलिमेंट है माई फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो यहाँ पे यहाँ अच्छे से एक टेबल में बताया गया है आपको, स्टार्ट टैग एच वन, एलिमेंट कॉन्टेंट हो रहा है माई फर्स्ट हेडिंग, एंड टैग है एच वन, स्टार्ट टैग पैराग्राफ, एलिमेंट कंटेंट हो रहा है माई फर्स्ट पैराग्राफ, एंड टैग स्लैश पी। ओके, तो जो कोई भी कुछ भी हमारा एचटीएमएल में जो भी कंटेंट हम लिखेंगे एचटीएमएल में, वो सारा हमारा स्टार्ट और एंड टैग के अंडर में होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब चलिए इस कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम ट्राई इट योरसेल्फ पे जैसे ही क्लिक किए, आप यहाँ पे देखेंगे कि डॉक टाइप आ गया ऊपर में, एचटीएमएल हेड एचटीएमएल। यहाँ पे हम ये जो आप देख रहे हैं कि एच वन माई फर्स्ट हेडिंग एच वन, अगर हम इस एच वन को एच फाइव कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए जैसा कि आप को हम जैसा कि आप अभी अभी जाने कि जो भी हमारा एचटीएमएल में एलिमेंट होता है स्टार्ट टैग और एंड टैग के अंडर में ही होता है। तो जैसे भी हम स्टार्ट टैग अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमें एंड टैग को भी चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे एच वन से एच फाइव कर दी और इसे रन पे क्लिक कर दी इसको, तो देखिए माय फर्स्ट हेडिंग कितना छोटा हो गया, यानी कि जो मेरा अपना पैराग्राफ है वो एच वन सबसे बड़ा होता है, यानी कि लार्ज हेडिंग लेता है, और एच फाइव छोटा होता है जब से वो हेडिंग को छोटा कर देता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो एंड टैग को आप क्लोज नहीं करते हैं तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर दी, अब इसे रन करती हूँ। तो क्या होता है कि जैसे ही आप स्टार्ट टैग को क्लोज नहीं करेंगे ना, तो सेकंड लाइन में आप जो कुछ भी टैग में के अंडर में, मान लीजिए कि आप यहाँ पे इसे पैराग्राफ बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे इस टैग एच फाइव टैग को क्लोज नहीं किए हैं, तो ये इसको भी हेडिंग ही ले रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट लाइन में आप जो कोड लिखें उसे भी ये पैराग्राफ हेडिंग ही समझ रहा है, ना कि पैराग्राफ। ओके, तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब कोई भी हम एलिमेंट एचटीएमएल में लिखते हैं या कोडिंग करते हैं तो उसे क्लोज करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे। स्लैश एच फाइव, अब यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए एक हेडिंग हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी एचटीएमएल का नेक्स्ट पेज लेकर आऊँगी, जहाँ पे हम सीखेंगे कि, चलिए मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पेज में हम क्या सीखेंगे। आइए, सॉरी, नेक्स्ट हम सीखेंगे, ट्राई इट योरसेल्फ कर लें, नोटपैड एडिटर में हम कैसे जो भी कोड हम अभी लिखे हैं यहाँ पे, यानी कि ऑनलाइन एडिटर में जो कोई भी हम कोड अभी लिखे हैं उस कोड को हम नोटपैड में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो W3 स्कूल वेबसाइट से हम सीखें कि HTML क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और HTML कैसे काम करता है। और W3 स्कूल के ऑनलाइन एडिटर में हम HTML कोड को एग्जीक्यूट भी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कोड को नोटपैड प्लस प्लस में लिख करके एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि कैसे HTML हम नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और कैसे हम वेबसाइट यानी कि कोई भी वेब पेज बना सकते हैं HTML के हेल्प से।